हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? तो वीडियो पहले देखने के बाद आप लोगों ने पता चल गया होगा मेरा हालत कैसे हो। तो मेरा हालत तो अच्छा है, लेकिन मेरा मन की बात बहुत ही बहुत बहुत ही ख़राब हो गया, क्योंकि जो हो गया जिसका वजह से मेरा मन की बात मन दुख हो गया, दुखी हो गया। तो वो देखने के लिए मैंने तैयार नहीं था। तो सुबह उठने का बाद जो मैंने देख लिया, बहुत ही दुख लगा मेरा। ये देखिए, छोटा सा गार्डन है मेरा। तो रात में इतना जोर से हवा आया था और बारिश हुआ था, तो इसीलिए ऐसा हाल हो गया। लेकिन इतना छोटा छोटा घासलियाँ सब्जियाँ घासली है, ऐसा हालत होने के लिए मेरा मैं ऐसा हालत देखने के लिए मैं एकदम तैयार नहीं था। तो ये तो राजा मूर्छा है, ये भी बचेगा ना मरेगा मुझे नहीं पता। अभी तो देखने में अच्छा है, ये तो मिथो घासली भी, मतलब जितना गार्डन है और ये घर से बहुत दूर में और एक गार्डन है मेरा, सब्जियाँ गार्डन, उधर का हालत तो मुझे नहीं पता कैसा हाल हो गया। तो ये तो घर का आसपास है। तो ये देखिए, सब्जियाँ पता मतलब इधर उधर एकदम थूथा के लेके गया हवा में। तो ये भी फ्रेश बीन्स का घासली है, ये भी अभी होने वाला है, फूल आने वाला है। ये इसका हालत भी पूरा ख़राब हो गया। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही शौक से गार्डनिंग कर रहा हूँ घर का आसपास टब में। तो जब होता है सब्जियाँ निकलता है उसी टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में खाने में, क्योंकि ये तो पूरा फॉर्मालिन सार, रासायनिक सार, मेडिसिन पूरा एकदम फ्री हो रहा है, विदाउट फॉर्मालिन, विदाउट रासायनिक सार, मतलब अपना हाथ से, खुद अपना हाथ से बहुत मेहनत करके मैंने ये सब्जियाँ प्लानिंग किया था। लेकिन अभी जोर से हवा का वजह से, बारिश का वजह से ये हालत होकर मैंने एकदम तैयार नहीं था ये देखने के लिए। तो क्या करेगा, जो हो गया तो हो गया, जो खो दिया तो खो दिया। तो ये भी मेरा घर का सामने है। तो आज तो रेनबो उठ गया, थोड़ा दिन भी अच्छा है। तो ये गेट का हालत भी देखिए, इतना ज़ोर से हवा आने का वजह से गेट भी टूट गया। ये बाहर का मेन गेट है, ये बाहर साइड का, और अंदर साइड में जो है वो टूट गया। इसमें डबल लॉक था ऊपर में और नीचे में, बीच में ताला लगाया था। तो अंदर में जो है ये देखिए टूट गया हवा का वजह से। तो इतना ज़ोर से हवा के वजह से रात भर सुने नहीं सका। तो बिल्डिंग घर का अंदर में भी इतना आवाज़ आया था, तो मुझे नहीं पता टीना का घर होने से कैसा होगा, उल्लू का हालत कैसा हुआ ये आवाज़ सुनकर, क्योंकि बाहर में बहुत बहुत ही जोर से आवाज़ हुआ था। तो सॉरी गाइस, मेरा दुख का बात आप लोग के साथ शेयर करके आप लोगों ने दुख आएगा तो मुझे माफ़ कर दो।